इंदर मेघवाल के साथ, जयपुर के अंदर एक दलित टीचर के साथ जो जलाकर उसको मार दिया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए जो आज ये प्रदर्शन का और ज्ञापन दिया जा रहा है और अपनी जो प्रस्ताव उसको पूरा कराने के लिए मांग रखी गई है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जयपुर की ही घटना नहीं है, ये पूरे देश के अंदर 2014 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। चाहे वो शमशान में ना जलाने के कारण हो, मूंछ रखने की बात हो, घोड़ी पे ना चढ़ने का कारण हो, अंतिम संस्कार ना करने का कारण हो, कहीं ना कहीं आरक्षण छीनने की बात हो, संविधान को तोड़ने की बात हो, दलित और पिछड़ों को हिंदू के नाम पर आपस में लड़ाने की बात हो, हिंदू मुसलमान के नाम की बात हो, कहीं ना कहीं लगातार 2014 से ये हम लोगों को बांटने का काम कर रही है। आज हम लोगों को ज़रूरत है अपने देश के बहुसंख्यक समाज के लोग जो मूल निवासी भी अपने को कहते हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। आज हम लोगों को एक क्रम ही प्रदान है, क्रम पर चलते हुए हमारे दलित मंच पे कैसे जाएंगे, आधे तो कांग्रेस में भी है ना नेता दलित, वो तो बोल नहीं रहे हैं। अभी मैं मीडिया के सामने यही तो चीज रख रहा था कि आज जरूरत है कम से कम हमारे बहुसंख्यक समाज के संगठनों को, बहुसंख्यक समाज के लोगों को एक मंच पाने की जरूरत है। अगर एक मंच पर नहीं आओगे तो पूरी 75 साल से पिट रहे हो, हक छीन रहा, संविधान तोड़ा जा रहा है, अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आज जरूरत है हम सब लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा, और जब तक एकजुट नहीं होगे आपका अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा, आपका आरक्षण छीनना बंद नहीं होगा, बाबा साहब का संविधान टूटना बंद नहीं होगा और देश में अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज यहाँ खासकर पिछड़े वर्ग से, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, कि पिछड़े वर्ग के लोग SC ST बहुसंख्यक समाज में बड़े भाई के रूप में हमेशा से 90 के दशक से लेकर अब तक दलित और पिछड़ों पर अत्याचार अन्याय होता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो भी अपने मिशन से भटक गए हैं। आज मैं अपने और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, दलितों को न्याय दिलाने पर राजस्थान में नहीं जाते हैं ये। देखिए ऐसा है, कांग्रेस और BJP ये एक ही है, दोनों को मनुवादी चलाते हैं, और दोनों को मनुवादी हैं दोनों, और कांग्रेस और BJP दोनों मनुवादी से चलती हैं, और कई छोटी पार्टी मनुवाद से चलती है, कांग्रेस BJP की बात नहीं है, वह उनकी सत्ता है राजस्थान के अंदर, कैसे चले जाएंगे वो वहाँ पर, वो BJP के प्रदेश में जाएंगे। गहलोत कह रहे हैं ऐसी घटना तो होती रहती है। भाई आप मेरी बात नहीं समझे, वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत कैसे कह रहे हैं? आप पर अत्याचार अन्याय कौन से प्रदेश में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, राजस्थान में नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा आपके ऊपर? एक मुख्यमंत्री को ये बात बोलनी चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए कि जिसने उस बच्चे की हत्या की है उस मास्टर को तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए, और उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उसके परिवार को नौकरी देनी चाहिए। जब तक हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा, हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा सर, रहेगी हमारी लेडीज है और हमारे समाज के लोग, जिसमें कि OBC सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, दूसरे नंबर पे SC आते हैं, तीसरे पे ST आते हैं, बहुत ज़्यादा विडम्बना ये कि OBC को तो फिर भी शूद्र है, उसको तो सेवा का अधिकार है, अछूतों को तो वो भी अधिकार नहीं है। नहीं बिल्कुल बात आपकी ठीक है शंभू जी, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है जो 4 वर्गों में बांटी हुई है, लेकिन उसमें शूद्र कहाँ आता है? अभी आपने बॉम्बे का 4-5 साल पहले की बात है, बॉम्बे के अंदर एक आया काम करती थी, हमें बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, ये बाबा साहब का बिल्कुल मानना पड़ेगा, बाबा साहब का मानना पड़ेगा, भगवान की मूर्ति घर से बाहर निकालनी पड़ेगी हमें। हमारे साथ जाति भेदभाव होता है, जाति कहाँ से, जाति धर्म से बनी है, इसलिए हमें धर्म सबसे पहले त्यागना पड़ेगा, जितना जल्दी त्याग दोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, जितना जल्दी त्याग दोगे। तो अपनी सुविधा के लिए विस्तार किया कि हम लोगों का 4-5-3 कास्टों को सुविधा मिलेगी इससे, और हम जिन मतलब हमारे आने वाली DNA जितने भी पैदा होंगे सबको इसमें मतलब प्रॉफिट मिलता रहेगा, पीठ पीछे यही काम करेंगे। तो अब तो ये हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि अब ये बेशरम हो गए, खुल के सामने भी आने लग गए हैं, तो ये 99.99% ये सब एक ही जगह काम कर रहे हैं, सब उनको जो भी इनके कौम का जो अपराधी होगा उसको बचाएंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे, रेपिस्ट हो, हत्यारा हो, बच्चों का हत्यारा हो, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या अपराध किया क्या नहीं किया, इनकी कौम का होना चाहिए, दलित के ऊपर अत्याचार करेगा, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करेगा तो उसको महिमा मंडित करेंगे, उसके अपराध का बचाव करेंगे, ये तो इनके खून में है। तो अब आप इसमें एक घटना को मत देखिए, पूरे देश में हर जगह, कहीं थाने में चले जाओगे, किसी दफ्तर में चले जाओगे, ब्यूरोक्रेसी में आप चले जाओ, आप मीडिया में चले जाओ, ये तो शुक्र है कि अब सोशल मीडिया आ गया, इस वजह से बहुजन समाज की आवाज़ उठने लग गई, वरना तो मीडिया में कहीं आवाज़ नहीं थी, है ना। तो मैं इसको एक घटना के रूप में नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये तो कहीं भी रहेंगे, घर में रहेंगे,
समाज में, मंच पे, कहीं पर भी रहेंगे, ये जहरी उगलेंगे वही काम करेंगे। बीजेपी के राज्य में हाथरस हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस के राज्य में दलित जो हैं सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यहाँ तो जो मामले निकल के आ रहे हैं राजस्थान से, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं भी रहेंगे, किसी भी पार्टी में रहेंगे, वही काम करेंगे। आप इसको एक पार्टी दूसरी पार्टी ऐसे मत देखो, उनके खून में ही खराबी है, उनके खून में ही खराबी है, वो यही गंदी करेंगे जहाँ भी जाएंगे। दलितों का शोषण, माइनॉरिटी का शोषण, बहुजन समाज का, आदिवासियों का शोषण, ये इनके खून में है, ये इससे हट नहीं सकते, इनके दिमाग में ही खराबी है। तो अब आप ये एक दो घटना को, इसका कोई उपाय नहीं है। आप दीवार पे टक्कर मार सकते हो, इनको नहीं सुधार सकते। तो असली इलाज तो यही है कि जो बहुजन समाज है ना, वो एकजुट हो जाए। इसका एक ही इलाज मेरे को समझ में आता है, जो बाबा साहब ने 100 तालों की एक चाबी दी थी कि बुद्धिज़्म की तरफ जाओ, प्रबुद्ध भारत बनाओ। जब ये बहुजन समाज बौद्ध बन जाएगा, उसकी अपनी एक अलग पहचान होगी, अपने घर वापसी करेगा, तो आपको तो कुछ हथियार उठाने की जरूरत नहीं, आपको किसी के खिलाफ कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं। आप तो छींकोगे तो ये आपके पैर पड़ कर जाएंगे, आपको तो सिर्फ छींकना है, आपके छींकने से ये उड़ जाएंगे, आपके पैरों पर लौटने लग जाएंगे। आपको सिर्फ समाज को एकजुट करना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है। अगर कोई मूंछ रखता है तो उसको हत्या कर जाती है, कोई घोड़ी पर अपनी बरात निकालते हैं तो उनको नीचे उतारा जाता है। आज भी वही सारी की सारी घटनाएं पुनरावृत्ति की शामिल हो रही हैं। पहले भी महिलाओं के, बेटियों के बलात्कार हुए, उनकी लाशों को जला दिया गया सबूत खत्म करने के लिए, और अब ये मासूम बच्चे का मामला सामने आया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि जैसे तरीके बच्चों को मारा गया, उसी तरीके से टोंक में, जयपुर जो सिटी है, पिंक सिटी जिसे कहते हैं, वहां पर भी एक दलित शिक्षिका को जला दिया गया है। देखिए ये बहुत ही मतलब गलत बात हो रही है, इसमें सरकारों से अपील करना चाहते हैं, इन पर तुरंत संज्ञान लेके, और देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए और इस पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और देश में अमन और शांति बनी रहे। वहाँ पे जातियों की सभा हो रही है, छैल सिंह जो शिक्षा के उसके पक्ष में जाति की सभा हो रही है जालौर में, एसपी और डीएम ताली बजाते नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जो सरकारें हैं, वर्तमान जो सरकारें हैं, उनको संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटना ना हो और देश में हम सब लोग सुख शांति से रह सकेंगे। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में जब आती है, लेकिन राजस्थान के मामले में शांत हो जाती है। नहीं, उन्हें ये समझना चाहिए कि लड़की हूँ, लड़की से क्या मतलब है। लड़की तो जो अनमेरिड होते हैं उनको कहा जाता है, जहाँ तक हमारा मानना है, हम दलित समाज के लोग हैं, लड़की तो उसे कहा जाता है जो अनमेरिड है, अपने घर में रहती है, जो शादीशुदा होकर चले गए, मतलब यहाँ से कहीं भी रह रहे, उसको लड़की कहने का पहली बात तो अधिकार नहीं है। उल्टा यही लोग गलत संदेश देते हैं, ऐसे लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि जो आपकी पुरानी परंपरा रही है उसको दरकिनार कर जाए, खाली वोट बैंक की राजनीति ना समझ दलित समाज को, इनके लिए सड़कों पर आना पड़ेगा या इनके खिलाफ जो भी कुछ हो सकता है इनके फेवर में जो ऐसे पीड़ित लोग हैं वो करना चाहिए, तब जाकर कुछ बात बन पाएगी, अन्यथा ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।